गाइस मेरे साथ गरिमा है जो अभी सेकंड सेमेस्टर एमबीए हेल्थ केयर का है। सो गरिमा मेरे को बोलना, जो लोग अभी सीयूईटी पीजी के लिए अप्लाई करने के लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है, मेरे को बताना जो एमबीए हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी हैदराबाद कटऑफ कितना गया था, मतलब हाईएस्ट कटऑफ कितना गया एंड तुम्हारा कितना मार्क था, बता दीजिए मतलब तो सही डेट। जनरल में हाई डिफरेंट कैटेगरीज है, जनरल में 200 के करीब गई थी और मेरी ओबीसी में थी, मेरी ओबीसी के रैंक थी 7 और 9 भूल गई जो थी, और जनरल में मेरी 32 थी। और मार्क्स से इतना कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है और हमारे जो 10th 12th के परसेंटेज होते हैं उन दोनों के बेसिस पे हमारी रैंक आगे ऊपर होती है। मुझे याद है मेरी साथ एक लड़की थी जिसकी 160 कुछ थी, बट वो उसकी रैंक थी 25 और मेरी थी 32। लाइक आपका थोड़ा मतलब मार्क कम है तो इंटरव्यू अच्छा कर देगा, हो जाएगा और 10th 12th मार्क भी वो देखते रहते हैं ना। हाँ एंड मेरे को बताना जो जो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं? जनरल क्वेश्चन आए थे, ग्रुप डिस्कशन में हमें टाइम दिया था टॉपिक देने के बाद कि उसके बारे में सोचो और कोई पॉइंट्स लिखने हैं आपको नोट डाउन करना है तो कर दीजिए। तो मेरा था टॉपिक मेंटल हेल्थ पे स्टूडेंट्स के, तो ऐसे ही जनरल टॉपिक्स थे बाकी। और पर्सनल इंटरव्यू में हमारे जनरली पूछे थे कि 5 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के नाम बताइए और हमारे बैकग्राउंड से मेरा BSc MLT था मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में पूछा था थोड़ा जनरल, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। हाँ एंड बताए एंड पर्सनल इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा था? हाँ ग्रुप डिस्कशन में ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पूछा था। ओके एंड दूसरा बात बताइए, तो हो गया सब कुछ, अब सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आपका जो एडमिशन फाइनल लिस्ट है, आपका रैंक कितना था इस टाइम? रैंक पता था लाइक 37 रैंक बोले, कैटेगरी रैंक कुछ था क्या जनरल ओबीसी में? हाँ और मेरे बाद भी थे 2-3 बच्चे। तो इसके बाद तुम्हारा ओबीसी में एडमिशन हुआ कि जनरल में? ओबीसी में। ओके जनरल में सिर्फ 9 सीट्स हैं तो फिर पॉसिबल नहीं था। हाँ टोटल 35 सीट है ना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हाँ 2 एक्स्ट्रा उसकी है फिजिकल हैंडीकैप एंड पर्सनल मतलब डिफेंस। हाँ हमारी क्लास में 36 बच्चे टोटल। 36 ओके। तो एडमिशन फी आप कितना दिया था ओबीसी कैटेगरी? स्टार्टिंग में मेरी कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं था, तो मेरा 68 थी फर्स्ट सेमेस्टर। 68 ओके ओके मतलब जनरल कैटेगरी ओबीसी। हाँ बताइए लाइक आप तो अराउंड 6 मंथ हमारे कैंपस में रुक चुका है, सो फैसिलिटी कैसा है? फैसिलिटीज अच्छी है, मतलब सब लोग को हॉस्टल मिलता है लाइक? हाँ हॉस्टल प्रोवाइडेड है यहाँ पे, मेस भी मुझे पसंद है मैस का खाना और मैस फी भी ठीक है। हाँ लाइक 2000 पर मंथ आता है ना मैस का भी? हाँ एंड थोड़ा बताइए जो एक रूम में शेयरिंग रहता है कि शेयरिंग है, 2 लोग रहते हैं एक रूम में। ओके सिंगल रूम भी है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, मुझे पता नहीं किसको मिलते हैं वो। ओके अभी अलॉटेड नहीं है मुझे। लाइक तो PhD स्टूडेंट को मिलता है सर, आपका LS10 है ना? LS10। हाँ तो और दूसरा बात बताइए जो अभी तो हमारा पढ़ाई कैसे होता है, जो तुम्हारा क्लासमेट ज़्यादा डॉक्टर स्टूडेंट रहता है कि कौन सा बैकग्राउंड से ज़्यादा रहता है? सपोज एवरीवन कैन जॉइन इन MBA हेल्थ केयर? नो, मेडिकल पैरामेडिकल और साइंस लाइफ साइंस बैकग्राउंड से है हमारे क्लास में, आयुर्वेदा के है डेंटल के है। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कुछ? ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में कुछ मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए ना? हाँ लाइफ साइंस भी चलेगा। ओके बायोटेक्नोलॉजी। ओके और तीसरा बात है अभी तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, कुछ इंटर्नशिप वगैरह रहता है? इंटर्नशिप हमारी समर इंटर्नशिप करनी है।